अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेट्स स्टार्ट आर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 ऑफ वन डायमेंशनल एलिमेंट्स। अभी तक हमने जो है वन डायमेंशनल एलिमेंट ही पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, और हमने वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट द डीफॉर्मेशन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। फॉर एग्जाम्पल, हियर वी हैव कॉलम ऑफ अ बिल्डिंग जिसके 5 फ्लोर हैं, राइट? 1 2 3 4, 4 फ्लोर हैं, राइट? और उनको हमने डिवाइड कर दिया इन इन 4 एलिमेंट्स एंड 5 नोड्स, ठीक है? तो ऊपर से कंप्रेसिव लोड लग रहा है हर फ्लोर के ऊपर, ऑब्वियसली हर फ्लोर पे उसका लोड होगा, तो यहाँ से हर फ्लोर के ऊपर उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लग रहा है। तो इसके इस इन 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 लोड्स की वजह से ऑब्वियसली देयर विल बी डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन आ जाएगी, जो हमारी ये आ गई। तो ये डिफॉर्मेशन आ गई आपकी बाय डायरेक्ट मेथड। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है कि फॉर एग्जांपल, हाँ, हमारे पास ये एलिमेंट है दो नोड्स के दरमियान में, इट इज कॉल्ड अनलीनियर एलिमेंट विच हैव टू नोड्स, राइट? लीनियर एलिमेंट विद टू नोड्स। तो हम क्या करते हैं, हम अब हमने जो है हमने हमें इसके दरमियान के हमें इन पॉइंट्स पे तो डिफॉर्मेशन पता चल गई, लेकिन अब इनके दरमियान में यहाँ क्या डिफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ क्या डिफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ एनी पॉइंट इन बिटवीन द नोड्स क्या डिफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है? इसी तरह अगर हम जब टू डायमेंशनल एलिमेंट्स में चले जाते हैं, हियर वी हैव टू डायमेंशनल एलिमेंट्स, तो ये आपके पास नोड्स हैं, नोड्स पे तो आपने डिफॉर्मेशन निकाल ली, लेकिन व्हाट इज द डिफॉर्मेशन इन बिटवीन द एलिमेंट, हेयर 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 एनी वेयर, वट आर द डिफॉर्मेशन, वो हमें नहीं पता चलती। उनके लिए फिर हम शेप फंक्शन यूज करते हैं, जिसको आप सिंपल वर्ड्स में इंटरपोलेशन जो है वो कहते हैं। आपने पहले इंटरपोलेशन की हुई है, तो इंटरपोलेशन की मदद से या हम शेप फंक्शंस की मदद से हम क्या करते हैं, इन बिटवीन जितने भी जगह हैं वहाँ पे भी हम वी आर एबल टू फाइंड द डिफॉर्मेशन। इसी तरह वन डायमेंशनल एलिमेंट्स के अंदर, इफ़ वी हैव अ वन डायमेंशनल एलिमेंट लाइक अ लाइन, तो उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो इन बिटवीन जितनी जो भी जगह है वहाँ पे वी आर एबल टू फाइंड द डिफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ शेप फंक्शंस। अच्छा, उसके अंदर अब हमारे पास जो है वो लीनियर वन डायमेंशनल एलिमेंट हैं, क्वाड्रेटिक वन डायमेंशनल एलिमेंट हैं और क्यूबिकल वन डायमेंशनल एलिमेंट है। लीनियर, राइट? लीनियर वन डायमेंशनल एलिमेंट हैं इन विच वी हैव टू नोड्स, और क्वाड्रेटिक वन डायमेंशनल एलिमेंट है इन विच वी हैव थ्री नोड्स। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन ही है और देयर आर थ्री नोड्स इन वन एलिमेंट, एलिमेंट एक ही है लेकिन उसके अंदर नोड्स हमारे पास 3 आ गई। और क्यूबिक वन डायमेंशनल एलिमेंट है, क्यूबिक वन डायमेंशनल एलिमेंट जिसके अंदर हमारे पास वही एलिमेंट है और उसके अंदर हमारे पास वी हैव 4 नोड्स, 1 2 3 एंड 4, 4 नोड्स आ गई उसी एलिमेंट के अंदर हमारे पास, ठीक है? तो ये आपके पास क्यूबिक एलिमेंट आ गया। नाउ फॉर एग्जाम्पल, वी हैव डिफॉर्मेशन कर्व। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास डिफॉर्मेशन कर्व आ रही है, विच इज एन ओरिजिनल डिफॉर्मेशन। जो ओरिजिनल डिफॉर्मेशन बॉडी के अंदर आएगी वो हम स्ट्रेन गेजेस की मदद से या किसी भी ओरिजिनल मेथड की मदद से हम वो ओरिजिनल डिफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो थ्योरेटिकल डिफॉर्मेशन आ रही है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको अब हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल, ये आपका यहाँ से यहाँ तक एक टोटल स्ट्रक्चर था, उसको मैंने 3 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? दिस वॉज एलिमेंट नंबर 1, और फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, एंड दिस इज एलिमेंट नंबर 2। दो एलिमेंट्स बन गए एंड दीज आर लीनियर एलिमेंट्स, तो हर एलिमेंट की दो नोड्स होंगी। तो नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट हाउ दिस प्रपोज सोल्यूशन, जो हमारा फाइनाइट सोल्यूशन है, दो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हाउ मच इट इज डेविएटिंग फ्रॉम द ओरिजिनल सोल्यूशन। जो ओरिजिनल आपकी वैल्यू है उससे कितना ज़्यादा डेविएट कर रहा है, ठीक है? अब इसका इसका इसके दो तरीके हैं इसको जो है एक्यूरेट करने के। नंबर वन इज कि हम जो है वी इंक्रीज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल, यही कर्व मैंने यहाँ पर बना दी, अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा दूँ, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मेक मोर स्मॉलर एलिमेंट्स, राइट? वन एलिमेंट, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट, द थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फाइव। नाउ यू कैन सी दैट द एलिमेंट्स आर वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल कर्व,
वेरी दे आर वेरी क्लोज. जितने ज्यादा हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाते जाएंगे आर सॉल्यूशन विल बिकम मोर एंड मोर एक्यूरेट. ठीक हो गया. और इसी तरह जो है लेकिन ऑन द अदर हैंड इट विल टेक मोर टाइम टू सॉल्व. तो हमें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा इन बिटवीन दीज टू के हम जो है एडुकेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू गेट एन एक्यूरेट सॉल्यूशन इन अ रीजनेबल कंप्यूटिंग टाइम. अच्छा जी, अब ये हमारे पास हो गया टू इंक्रीज एक्यूरेसी. पहली चीज तो ये हमारे पास आ गई टू इंक्रीज एक्यूरेसी, इंक्रीज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो हमारी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट. अगर हम एलिमेंट्स दो ही रखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ यहाँ पे दो ही एलिमेंट रखें, लेकिन हर एलिमेंट का हम ऑर्डर बढ़ा दें, तो वी कैन हैव एन एक्यूरेसी विद टू एलिमेंट्स ओनली. वी कैन हैव अ मच बेटर एक्यूरेसी. वो कैसे, कि वी नो दैट इफ वी विल गो फ्रॉम लीनियर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग टू, वी गो फ्रॉम दिस टू क्वाड्रेटिक. We know that a quadratic is a curve. A quadratic equation will make a curve itself. Right? तो ये जो element होगा, इसका जो दरमियान वाला node होगा, it will make a curve. तो वो क्या हो जाएगा? That will best fit if this is original and we are using a quadratic element. तो उसका दरमियान वाला node ये आ गया and it will fit exactly over the सोल्यूशन. इसी तरह यहां से यहां तक आपका दूसरा एलिमेंट आ रहा है और उस दूसरे एलिमेंट का दरमियान वाला नोड ये आ गया, इट विल ऑल्सो बेस्ट फिट ऑन द ओरिजिनल कर्व. सो हियर वी आर यूजिंग टू एलिमेंट्स बट द एलिमेंट्स आर क्वाड्रेटिक. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू लीनियर एलिमेंट्स एंड द टू क्वाड्रेटिक एलिमेंट्स. क्वाड्रेटिक एलिमेंट दे विल गिव मच एक्यूरेट रिजल्ट. सो इन सॉल्विंग द शेप फंक्शंस या हम जब इंटरपोलेशन करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वी कैन यूज क्वाड्रेटिक शेप फंक्शंस. क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन हम कर सकते हैं टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स. और फिर क्वाड्रेटिक से भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे व्हेन वी विल यूज क्यूबिक इंटरपोलेशन या क्यूबिक शेप फंक्शन. जब हम यूज करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट आएंगे दे विल बी फर्दर मोर एक्यूरेट और एज कम्पेयर टू क्वाड्रेटिक एंड लीनियर. So for example, here we have a graph between the y direction, जो आपकी यहाँ मैंने एलिमेंट बना दिया पूरा, एलिमेंट y direction में हमारे पास जो है ना आ गया. और here we have the deformation. So we can plot the results on this graph. For example, at y is equal to y i, right? At y is equal to y i, what is the value of u? U will be equal to u I. Similarly, at y is equal to y j, u will be equal to u j. तो वो मैंने प्लॉट भी कर दी ग्राफ के ऊपर. एंड बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, और उनके दरमियान में जो हम उसको इंटरपोलेशन लगा रहे हैं, ये शेप फंक्शन लगा रहे हैं, दैट इज अ लीनियर शेप फंक्शन, राइट? ये लीनियर इंटरपोलेशन है. तो वी कैन ज्वाइन दीज टू पॉइंट विद अ लाइन. तो हम जो है शुरू में लीनियर से करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक करेंगे, फिर क्यूबिक में जाएंगे. तो सबसे पहले हम जो है लीनियर से इसको सॉल्व करने लगे हैं कि इन बिटवीन अगर हम किसी पॉइंट पे फाइंड करना चाहें तो वो लीनियर इंटरपोलेशन से है कैसे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें यू आई पे डिफॉर्मेशन पता है, यू जे पे डिफॉर्मेशन पता है, तो हम इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल ये इस पॉइंट पे हम जो है वो डिफॉर्मेशन फाइंड करना चाहते हैं इस बॉडी के अंदर, तो हम वो इस ग्राफ की मदद से यहाँ से कर सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, सिंपल लाइन की इक्वेशन आपको याद होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो हम इक्वेशन यूज करते हैं. तो हम लाइन के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल u इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू वाई, राइट? ये हमने इक्वेशन लिख ली लाइन की. नाउ वी नो दैट इफ वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू, इफ वी सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, हाउ कैन वी डू दैट? वी नो दैट यू आई विल बी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू वाई आई. सिमिलरली वी सब्स्टिट्यूट द सेकंड वैल्यू, यू जे विल बी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू वाई जे. नाउ बाय साइमल्टेनियसली सॉल्विंग दीज टू, इसके नीचे लाइन लगा लेते हैं. बाय साइमल्टेनियसली सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स. वो मैं अभी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने. हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस साइन,
और यहां से हम जो है वो C2 निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू निकाल के लिख देता हूँ। तो ये यहां से मैंने C2 की वैल्यू निकाल ली साइमल्टेनियस सॉल्व करके। अब इस C2 की वैल्यू को किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करें और वहां से हम C1 की वैल्यू निकाल लें। तो यहां से मैंने C1 की भी वैल्यू निकाल ली, यू आई वाई जे माइनस यू जे वाई आई ओवर वाई जे माइनस वाई आई। नाउ दिस वाई जे माइनस वाई आई इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, वी कैन ऑल्सो राइट एल इंस्टेड ऑफ इट लाइक दिस। हमने यहाँ पे उसकी जगह वाई जे माइनस वाई आई की जगह क्या लिख दिया, एल। इस तरह वाई जे वाई माइनस वाई आई, तो दिस इज वाई जे माइनस वाई आई विच इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। नाउ वट वी विल डू, वी विल बैक पुट दीज टू इक्वेशन इन द मेन इक्वेशन, जो हमने मेन लाइन की क्वेश्चन लिखी क्वालिटी क्वेश्चन ए, तो हम इन दोनों को बैक पुट कर देंगे इन दैट इक्वेशन, और उसके बाद वो क्या शक्ल इख्तियार करेगी अभी आपके सामने आती है। तो यहाँ पे दो स्टेप्स मैंने इकट्ठे कर दिए, एक तो मैंने इन दोनों की वैल्यू दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर दी, फॉर एग्जाम्पल C1 की वैल्यू पुट की यू आई यू जे, यू आई यू जे माइनस यू जे यू आई, यही है। लेकिन ये जो एल था उसको मैं बाहर ले गया। इस तरह मैंने C2 की वैल्यू पुट की, यहाँ C2 की वैल्यू पुट करनी थी यू जे माइनस यू आई, वो मैंने पुट कर दी और उसको वाई से मल्टीप्लाई कराया। लेकिन जो नीचे इसके एल था, इस एल को मैं बाहर ले गया। नाउ आई विल सिंप्लीफाई एड, तो ये मैं जो है इसको लिख लूंगा यू आई वाई जे माइनस यू जे वाई आई प्लस यू जे वाई माइनस यू आई वाई, और ये 1/L इसी तरह आ गया। अब जो यू आई वाले हैं उनको अलग कर लेते हैं, यू जे वाले हैं उनको अलग करके लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने दोबारा दो काम किए, एक तो मैंने यू आई वाले टर्म्स को अलग कर लिया और एल को दोबारा जो है अंदर ले आया। इसी तरह मैंने यू जे वाले टर्म्स को जो है वो अलग कर लिया। अब यहाँ से आप देख सकते हो यू जे वाले टर्म जो है कौन कौन सी हैं, ये है वाई माइनस वाई आई, ये मैंने लिखा हुआ वाई माइनस वाई आई, और एल को मैं दोबारा जो है वो अंदर ले आया। नाउ दिस इज द इंटरपोलेशन, ये आपके पास जो है दिस इज द शेप फंक्शन विच इज द लीनियर शेप फंक्शन, एक लाइन की फॉर्म में जो है आपको जो अप्रोक्सीमेशन देगा। सो यू कैन कॉल इट एस आई यू आई प्लस एस जे यू जे, जो आपके पास शेप फंक्शन हैं टू कैलकुलेट अ रिजल्ट। तो ये आपके पास जो है वो एक क्वेश्चन बन गई। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन, वी आर एबल टू फाइंड द डिफॉर्मेशन इन बिटवीन द एलिमेंट्स, एलिमेंट के दरमियान में हम जो है वो डिफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर हमने नो हेयर वी हैव, अगर हमने यहाँ पे U1 पे डिफॉर्मेशन फाइंड कर ली हुई है, U2 नोड 2 पे भी डिफॉर्मेशन फाइंड कर ली हुई है, तो इन दोनों नोड्स के दरमियान में हमें नहीं पता कि क्या डिफॉर्मेशन है, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ द शेप फंक्शंस हम फाइंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया कि लीनियर फंक्शंस में एक्यूरेसी जो है वो कम होगी, लेकिन वी आर गोइंग विद दैट, हम क्योंकि अभी वी आर एट द बेस्ट बेसिक्स, तो हम जो है पहले लीनियर से करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक पे आएंगे, फिर क्यूबिक पे जाएंगे। तो सो बाई यूजिंग दिस शेप फंक्शन हियर वी हैव, बाई यूजिंग दिस शेप फंक्शन we will be able to find the deformations in between the nodes.